नमस्कार, पीआरजी की टीम और टीना राठौड़ एक बार फिर से स्वागत करती है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम हमारे राजस्थान के जाने माने कलाकारों को रूबरू करवाते हैं आप सभी से, और उनके मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। और इसी सिलसिले में हमारे बीच मौजूद है पाली, राजस्थान के खूबसूरत सिंगर और सेल्फी किंग कहे जाने वाले महेंद्र सिंह जी राठौड़। सर, आपका पीआरजी स्टूडियो में बेहद स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और आपका जन्म स्थान कौन सा है? दीना जी, मेरी फैमिली में छोटा सा परिवार है। मैं, मेरी वाइफ सखा, मेरे दो खूबसूरत से बच्चे हैं, स्वीट से, एक बेटी है गुंजन राठौड़, एक बहुत प्यारा सा बेटा है साहिल राठौड़, और मेरे बड़े भाई साहब हैं बाबीसा हैं, एक प्यारा सा भतीजा है प्राजीत सिंह राठौड़। ये छोटी सी फैमिली हमारी, जॉइंट फैमिली है आपकी, आप सब साथ रहते हैं? भैया अलग रहते हैं, हम लोग अलग रहते हैं, रहते हैं दोनों पाली में, मेरा जन्म पाली का ही है। जी, जी। और पढ़ाई का आपने पूछा? हाँ जी। एजुकेशन मैंने कोई ज़्यादा ली नहीं है, क्योंकि गरीब परिवार से थे हम लोग, मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, और मेरे पिताजी भी मजदूर आदमी थे, ऐसे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे वो, हरी सिंह जी राठौड़ उनका नाम हुआ करता था जी। और मध्यम वर्गीय परिवार से होने से मुझे स्कूल के बाद में फैक्ट्री भी जाना पड़ता था, फैक्ट्री और स्कूल, फैक्ट्री स्कूल, तो ना पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाया, ना मैं कामकाज के हिसाब से इतना कुछ कर पाया जी। तो आठवीं तक पढ़ाई मैंने की है, उसके बाद में टेंथ मैंने प्राइवेट दी, लेकिन उसको आधी अधूरी में ही मैंने जी लेट गो कर दिया, और फिर अपने आप को फैक्ट्री और मजदूरी के साथ में जोड़ने के पूरे प्रयास, जो घर की स्थिति थी उसको संभालने में लग गया। जी जी, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण फैक्ट्री जाते थे, काम करते थे, और स्कूलिंग तब आपके साथ चलती थी, तो ये सिंगिंग में आपका रुझान कैसे हुआ? टीना जी, लगभग ये 17-18 वर्षों पुरानी बात है, हमारे घर के पास में एक रामदेव जी का मंदिर है, वहाँ पर एक भक्ति संध्या थी, और हम लोग वैसे ही जैसे युवा कार्यकर्ता किसी भी गांव में कोई कार्यक्रम होता है तो एकजुट होकर के वहाँ सेवा देते हैं, हम लोग भी वहाँ पर सेवा दे रहे थे, और भजन संध्या हुई, रात्रि भर हम लोगों ने चाय वाय बनाई, श्रोताओं को पिलाई, कलाकारों को पिलाई, हमने नाचा, डांस वांस किया, जो भी करना था, भजन तो पल्ले पड़ते नहीं थे, हुआ और करके हम लोग आरती हुई और फिर घर पर आके हम लोग सो गए। दूसरे दिन हमारे घर के एक बिल्कुल बैक साइड में एक मकान है, रामा नाम का एक लड़का था, उसके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, और उस भजन संध्या का जो एक भजन था, इन दुनिया में माँ बाप भगवान के विजय, दिन उगताई नाम पहला वारो ले विजय, वो भजन उसने उस ऑडियो में लगाया टेप रिकॉर्डर में, मैंने सुना तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा यार ये भजन कहाँ बज रहा है, तो अपने कल सुना, मैं पीछे का दरवाज़ा खोल के उसके घर में गया, मैंने कहा यार भैया वो वापस लगाओ, उसने वो भजन वापस लगाया, पाली के हमारे गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित करके वो गा रहे थे, और वो भजन मेरे अंदर तक मतलब घर कर गया, तो उस भजन को मैंने कॉपी पे लिखा, वैसे मेरे पिताजी खुद एक सिंगर थे, हरी सिंह जी राठौड़, तो कुछ कुछ म्यूजिक मेरे विरासत में मिला अंदर था, विरासत में पापा की देन थी ये जी, जी। और स्कूल में भी कभी बाल सभाएं वगैरह होती थी तो मुझे बुला के प्रार्थना वगैरह में गवाया जाता था जी। तो वहाँ से वो इन दुनिया में माँ बाप के भी जो भजन एक लिख के जेब में डाला, और फिर बस हो गए शुरू, जहाँ भक्ति संध्या होती थी वहाँ जाना, पेपर निकाला, गाया, और घर पे लोग बागों ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा अच्छा गाते हो आप, और तैयारी करो, फिर धीरे 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 शुरू। तो बेसिकली आपने संगीत की पढ़ाई नहीं की है कहीं से, बस ऐसे ही आप गाते गाते और गाना सीख गए? पाली में वैसे अगर क्लासिकल म्यूजिक की बात की जाए तो हमारे पाली में गुरुदेव शांतिलाल जी रावल है जी, वो आज भी काफी बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनके पास मैं थोड़े टाइम गया हूँ, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत और क्लासिकल म्यूजिक जो है उसके लिए बहुत सारा समय, शायद मेरा ये निजी मानना है कि एक जीवन काफी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मेरा उस तरफ कुछ होने वाला नहीं है जी, तो मैंने देसी ट्रेडिशनल भजनों में अपना समय दिया जी जी, ये ज्यादा उचित समझा मैंने। बहुत खूब। अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर तो क्या है, अगर मैं भजनी नहीं होता, भजन गायक नहीं होता, तो आज भी मजदूरी होता जी, फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होता जी, और अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रहा होता जी। अगर पूछा जाए तो आपका यहाँ तक
पहुंचने में सबसे ज्यादा सहयोग किन का रहा है? काफी लोगों का सहयोग है टीना जी, लेकिन मैं सबसे अहम और प्रमुख यदि कहना चाहता हूँ तो हमारे पाली में एक रिद्विष्ट है, ढोलक बजाते हैं, प्रकाश जी लांगे साहब जी। जब मैं फैक्ट्री में उनके साथ काम कर रहा था तो थोड़ा बहुत मैं गाता था, तो उन्होंने बोला कि मन्नू, मेरा निकनेम घर का जी, बोले मन्नू अच्छा गाता है तू, मैं ढोलक बजाने के लिए जाता हूँ। वो जैन धर्म में जाते थे, आज भी वो जैन शासन में अशोक जी गेमावत के साथ काम करते हैं जी। तो उस समय उन्होंने बोला तू मेरे साथ चल। उस समय उनको मिलती थी, उस ढोलक बजाने की पेमेंट पे होती थी 200 रुपए 250 रुपए। उसमें से वो, मैं बोलता था कि यार प्रकाश जी मैं आपके साथ चलूंगा तो मुझे फैक्ट्री की जो मेरी सैलरी है वो मैं कैसे दूंगा, मेरे भैया घर पे डांटेंगे मुझे। तो अपने वो 200-250 में से वो 50 रुपए मुझे पे करते थे पर डे की, और मैं उनका ढोलक का बैग उठा के और उनके साथ में वो जो भी छोटे मोटे काम उनके थे वो मैं करता और वो अपने साथ रखते थे। ये प्रमुख योगदान उनका मैं मानता हूँ, जीवन भर उसके लिए मैं प्रकाश जी का ऋणी हूँ। और उसके बाद में यदि कोई नाम लिया जाए तो वो गुरुदेव जनाब मोइनुद्दीन जी मंचला हैं जी, जी। जिन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा है और आज तक उनकी कृपा। आपने उन्हें गुरु माना है जी जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शुरुआती दौर से लेकर आज तक आपको किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, चाहे परिवार से ले लीजिए, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बाद संगीत के क्षेत्र में आना लोगों का नजरिया बदल जाता है उससे, तो क्या उस बदले हुए नजरिए का शिकार आप भी हुए हैं? बहुत ज्यादा टीना जी। जी, कैसे? हम बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं ज्यादा कुछ तो कहूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी बात, लेकिन मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बेसहारा लोग जो होते हैं उन दुर्भाग्यशाली आदमियों में मैं भी हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मैंने मम्मी पापा को खोया है। तो उसके बाद में अगर छोटा बच्चा कोई अकेला किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए जाता है तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फीमेल को थोड़ा ज्यादा है, और मेल अगर आता है तो उसको वर्कली यूज लिया जाता है, उससे ये भी करवा लो, उससे ये भी करवा लो, अननेसेसरी यूज जिसको बोलते हैं, वो भी लोगों ने किया। एक वाकया मैं आज शेयर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था, उस वक्त बहुत आर्थिक मंदी थी घर में, आर्थिक तंगी के कारण पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत थी। उसके बावजूद मैंने कहीं से 100-150 रुपए अरेंज किए और एक शॉल, एक मिठाई का डब्बा और मोली वगैरह, कुमकुम तिलक वो सब करके मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, लेकिन मैंने उनको गुरु बनाया बड़े भाव के साथ में। मैंने कहा सर मुझे हारमोनियम सीखना है। तो पाली के एक सीनियर आर्टिस्ट ने उनको फोन करके बोला, जिनको मैंने गुरु बनाया, कि तू महेंद्र सिंह राठौड़ को हारमोनियम नहीं सिखाएगा, इसको भजन नहीं सिखाएगा। और मुझे, मैं रोज जाता उनके पास, जस्ट जो वो मुझे समय देते मैं सीखने के लिए जाता और वो पा ना करके टाल देते, क्योंकि उस वक्त वो सीनियर आर्टिस्ट थे और उनका बहुत दबदबा था पाली में जी। तो उन्होंने उसको मना कर दिया और वो मैं जाता, वो बोलते कल आना परसों आना। मेरी इतनी आत्मा दुखी है यार, मैंने कहा मैं बहुत मुश्किल से गुरु बना के और मेरे अंदर सीखने की इतनी लगन है, उसके बावजूद भी लोगों ने उसको, मेरे सीनियर आर्टिस्टों ने उसको दबाने के प्रयास किए, सपोर्ट देने की कोशिश नहीं की। तो उस वक्त बहुत दिल दुखा, और आज जब मालिक की कृपा हुई, मातेश्वरी की, गुरुदेव की कृपा हुई, तो आज भी वो लोग जिंदा हैं, जीवित हैं, फिर भी उसके बावजूद मैं अपनी तरफ से उनके पास जाता हूँ, उनके जो भी हेल्प मुझसे हो सकती है बन पड़ती है, मैं उनसे जाके मिलता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनकी वो की वो इज्जत करता हूँ, और उनके सामने जाकर के कभी इस बात को मैंने जाहिर नहीं किया। और आज ये कहना इसलिए आवश्यक समझा कि हम लोग दबन, हमारे गुरुदेव एक मोइनुद्दीन जी शेर पढ़ते हैं कि यूं तो हंसते हुए बच्चों को गम होता है, इन्हें उम्र कच्ची है, तजुर्बा कम होता है, और वक्त हर जुल्म तेरा तुझको ही लौटा देगा, क्योंकि वक्त के पास कहां रहमो करम होता है। क्या बात। आज उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनके पास जाता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको समय देता हूँ, और जैसी स्थिति मेरी होती है उस हिसाब से उनकी सहायता भी करने के प्रयास करता हूँ जी। वो दोनों नाम हमारे पास में है, लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपका नजरिया जी, आपका नजरिया हमने जाना, उनका या उनके कुछ साथी कलाकारों का या उनके प्रशंसकों का नजरिया भी हमारे पास में, हम जरूर इसके बारे में बाद में बात करेंगे जी। बिल्कुल, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हमारे पास में कुछ और सवाल आते हैं आपके लिए जी। जी, सबसे पहले आपको पूरी इंडस्ट्री में सेल्फी किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शायद सोशल मीडिया पे आप जितनी सेल्फी लेते हैं शायद और कोई दूसरे आर्टिस्ट लेते नहीं है, तो आपको शौक है सेल्फी लेने का, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी का कारण है? टीना जी एक्चुअली ये मेरा निजी मानना है
कि मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और आजकल एक नई फैशनेबल बीमारी, मॉडर्न बीमारी जिसको बोलते हैं, वो साइलेंट अटैक। काफी लोगों को सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, फला व्यक्ति वहां चला गया, फला व्यक्ति मौत हो गई, रात को सोते हैं खाना ना खा के, सुबह उठते ही नहीं है, क्या हुआ कि भाई साहब साइलेंट अटैक आया। जवान आदमी हो बूढ़ा आदमी हो उससे कोई मतलब नहीं, लोग बाग इस प्रकार से जा रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जीवन के प्रत्येक क्षण को मैं कैद कर लूँ, हंसी खुशी के साथ में बिता लूँ, ताकि मेरे चाहने वाले, मेरे परिवार के लोग देखे मुझे हंसता खिलखिलाता देखे और उनकी आत्मा मेरे न रहने के बाद भी प्रसन्न रहे। बस इसीलिए मैं हर कैमरे को कैद करने चाहता हूँ, हर पल। बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें आपके प्रशंसकों के शायद कहीं दो गुट बन गए हैं। एक आपके वो प्रशंसक जिन्हें ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, जिन्हें युवा प्रशंसक कहा जाता है और हम उनको कह सकते हैं, और उसके अलावा कुछ प्रशंसक ऐसे हैं आपके जिन्हें ये लगता है कि एक भजनी होने के नाते आपको सोशल मीडिया पे इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए खुद को, इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? मैं ये सोचता हूँ कि भजन गायक जो है वो भजन गायक है, नॉट ए संत। आप धार्मिक एंटरटेनर हैं, आप लोगों का धार्मिक मंच पे एक जाजम के ऊपर आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। यू आर नॉट ए संत, नॉट ए महात्मा। इसीलिए मैं मेरे भक्ति संध्या में ना तो ज्यादा प्रवचन देने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भजन गाने के प्रयास करता हूँ, लोगों को खुश करने का प्रयास करता हूँ। और उसी प्रयास का एक ये रूप ये भी है कि मैं मेरे दोस्तों तक, मित्रों तक, सोशल मीडिया का जमाना टीना जी, और जो सभी लोगों से हम एक साथ मिल नहीं पाते, तो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हम सारे मित्रों से एक साथ मिल लेते हैं। हम आज किस क्षण में हैं, हम कल किस क्षण में हैं, ये सभी लोगों को पता चल जाता है कि महेंद्र सिंह राठौड़ रात को वहाँ था, महेंद्र सिंह राठौड़ रात को वहाँ था। अब इससे मैं नहीं मानता कि मैं किसी प्रकार की कोई असंवैधानिक गतिविधियाँ कर रहा हूँ या ऐसा कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे कोई शंका आनी चाहिए या मुझे कोई लाज आनी चाहिए। मैंने कोई इस प्रकार की सेल्फियाँ नहीं ली, मुझे सभी से मोहब्बत है, मैं प्यार में बहुत यकीन रखता हूँ, मैं लोगों से प्रेम के साथ जीवन जीने में बहुत यकीन रखता हूँ। बस इसके अलावा कोई दिखावा, कोई ढकोसला, वो बगमा धारण करके नहीं हूँ, करके नहीं हूँ, करके न, वो ज़्यादा दिखावा करने की मेरी नहीं, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ। जी बहुत बढ़िया। एक और बात आपके लिए हमारे पास में आई है आपके प्रशंसकों और कह सकते हैं साथी कलाकारों द्वारा कि आपको आपका जो ग्रुप है गायक कलाकारों का उनमें आपको एक नारद मुनि की उपाधि मिल रखी है, तो उसका क्या कारण है कि आपको नारद मुनि का? बहुत बढ़िया बात है, नारद मुनि की मुझे बहुत अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। नारद जी जैसा मैं सभी देवी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ उनको मानता हूँ। जी कैसे हम अगर डायरेक्टली इस बात को कहें तो नारद मुनि का मतलब होता है कि इधर की बात सुन के इधर करना और इधर की बात सुन के इधर करना, तो आपकी ऐसी छवि क्या? कहीं ना कहीं मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसा जो आदमी जिस आदमी के प्रति जैसी सोच रखे वो उसके मुंह पर भी वैसा ही रहे। जी अब ये अफसोस होता है कि मुंह पर तो बोलेंगे कि नमस्ते टीना जी, खमा गणी सा, जय माता जी सा, और जैसे टीना जी निकले और यार टीना जी अच्छे नहीं हैं, टीना जी ऐसे हैं, टीना जी बुरे हैं, टीना जी यूं हैं, और वो बात मुझे सब जैसे पता चलती मैं सीधा जाकर टीना जी को बोलता हूँ टीना जी वो ऐसे ऐसे कह रहा था। एक वाकया हुआ मुझे याद आता है आज भी। जी। मैं एक जगह गया तो कई कई लोगों की होती मन में एटीट्यूड, मैंने मेरी आदत है मैं सबसे निमन करके नम्रता के साथ पेश आता हूँ, मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने भाई सब नमस्कार, बोले आओ आओ भाई महेंद्र आओ, मैंने कहा तो वो रमेश नहीं आयो, रमेश जी भाई सब माली जी, रमेश नहीं आयो, मैंने कहा भाई सब आ रही है थोड़ी देर बाद में आया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में रमेश जी का आना हुआ, मैंने कहा भाई साहब प्रणाम, अब वो आया वही आदमी एटीट्यूड वाला वापस आया, वो आके बोले महेंद्र साहब मैं बार आपने 5 मिनट पहला रमेश भी नहीं आया जाने में आपने कही किया तो कि वहाँ मैं क्यों क्यों रमेश ही आयोग नहीं आया, रमेश आयोग नहीं आया, यूँ रे क्यों सर। अच्छा इसीलिए आप तो पानी पानी हो गया, मतलब बात ये है नारद का और बात ये इसीलिए कि आप जैसा किसी आदमी के पीठ पीछे बोलते हो या तो वैसा मुंह पे बोलो जी। अगर बुराई करनी है तो उसको 5 मिनट के लिए बुरा लगेगा लेकिन उसके मुंह पे कह दें तो वो कहीं ना कहीं मित्रता बनी रहती है आपकी अंदरूनी हद तक, वरना दिखावे की दुनिया तो ही है। बहुत खूब। एक और चुटकी है आपके लिए हमारे पास आपके साथी कलाकारों या प्रशंसकों के द्वारा आपके लिए कि
जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, मंच पे जब होते हैं, तो कोई महिला कलाकारा जब आपके साथ होती है तो आप भावनाओं में बह जाते हैं, पिघल से जाते हैं, उसके बारे में आपका नजरिया बताइए। भावनाओं से और पिघलना से मैं कुछ समझा नहीं इसका। लाइक आप भक्ति संध्या कर रहे हैं, आप अपने भजन गा रहे हिंदी गाने गा रहे हैं, और हिंदी गाने गाते गाते आप वहां तक पहुंच जाते हैं जैसे कि आप इनडायरेक्टली उन महिला कलाकारों को कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा तो इस बात को तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा जी, हम उसकी सच्चाई ही जानना चाहते हैं कि ऐसा ऐसी एक चुटकी आपके बारे में और है हमारे पास। वैसे अमूमन तो हमारे मंच पे महिला कलाकार कोई होती भी नहीं है। हमारे ग्रुप के अंदर म्यूजिशियन ग्रुप है, मंच संचालक होता है, एक सह गायक होता है जी, और एक वो सुरेश जी सेन वगैरह करके दो मेल है जो देवी देवताओं के रूप में मंच पर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार का हमारा ग्रुप, ये लगभग सभी को पता है जी, जी। महिला कलाकार होते नहीं है अमूमन तो, और बाय द वे कभी कोई महिला गायक आ भी जाती है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने किसी महिला गायक को प्रभावित करने के लिए या महिला नृत्यकार को ऐसा कुछ करने के लिए कुछ किया गाया होगा, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो सभी के साथ जब भी बैठता हूँ मन में जो आ जाता है कि मुझे यहाँ पर ये चीज गानी चाहिए जी जी। जैसे अभी मैंने वो कीर्तिदान जी गढ़वी को सुना था, बहुत अच्छा गाना है। तुम परदेसी किधर से आए, आते ही मेरे मन में समाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, करूं क्या हाथों से हो मन निकला जाए, छोटे छोटे झरने हैं के झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। सुनो जी दुनिया ये गाती है के प्यार से रसता तो क्या ये जिंदगी कट जाती है। सुनो जी दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसते तो क्या जिंदगी कट जाती है। अब इसमें कमेंट ये भी आ सकता है कि टीना जी महिला एंकर को देख करके महेंद्र सिंह जी ने ये गाया तो वो मेरा कसूर नहीं है जी जी। देखने वालों का नजरिया अपना अपना नजरिया, अपनी सोच है टीना जी। बिल्कुल, मेरा तो मन में आया कभी आपने ये बात बोली और मुझे ये गीत गाना चाहिए तो मैंने ये पंक्तियां गा दी, इट्स दैट्स ऑल। इसके अलावा मुझे गहराई में जाने का ना तो शौक है और ना मैं जाता हूं। जी बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कुछ एक दो विवाद और हैं, कुछ बातें और हैं हमारे पास। बिल्कुल आप बोलिए। पीआरजी फिल्म सिटी पीआरजी का ये इंटरव्यू का जो एक दौर है, ये इसी प्रकार से आप लोगों को संगीत से जुड़े हुए कलाकारों को आम आदमी से जोड़ने का एक बहुत सुंदर माध्यम है, जिससे आप सीधे संवाद, आप सवाल पीआरजी से करते हैं और जवाब हमको डायरेक्ट देना पड़ रहा है। बिल्कुल सत्य है, ठीक है जी। वो सवाल आप ही के लिए होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, स्वागत है जी। उन विवादों के बारे में बात करने से पहले एक बार फिर से आपकी गायकी की तरफ रुख करते हैं जी। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हमारी इस इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे सिंगर्स जो इस क्षेत्र में, गायन क्षेत्र में, तो आपको जाहिर सी बात है आपके गुरुदेव है तो आपको उनकी गायकी तो अच्छी लगेगी ही, पर उनके अलावा ऐसे कौन से सिंगर हैं जिनसे आप प्रभावित होते हैं या प्रेरित होते हैं, उनकी गायकी आपको अच्छी लगती है? फर्स्ट तो मोइनुद्दीन जी, प्रकाश जी भाई साहब तो है ही, मेरे आइडल है। उनके बाद में दिलीप जी गवैया है जी, जिनकी गायकी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। हमारी राजस्थान की जो ट्रेडिशनल आर्ट के सिंगर्स हैं प्रमुख, उनमें एक अशोक जी चौहान है सोजस से, उनकी भी गायकी मुझे बहुत पसंद है। श्याम जी पालीवाल का नाम भी लेना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी गायकी जो देसी ट्रेड में गाते हैं। काफी सारे नाम है, मुझे बहुत सारे सिंगर्स पसंद है जी। मैं कहना चाहूँ तो मुझे लहरुदास जी वैष्णव भी पसंद है, मुझे गजेंद्र जी राव भी पसंद है, मुझे कालू राम जी बिखरणिया भी बहुत पसंद है, मुझे रामनिवास जी राव के भजन भी बहुत पसंद है जो हमारे पूरी इस आर्टिस्टों के प्रणेता रहे हैं, और महेंद्र सिंह जी पंवार के भजन भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे सारे कलाकारों के भजन अच्छे लगते हैं, जो भी भजन प्रभावित होते हैं आप सबसे प्रेरित होते हैं। मुझे सारे जितने भजन गायक हैं मुझे सभी के भजन बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। सर आगे बढ़ेंगे। एक सोशल मीडिया पे कुछ समय पहले आपका कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे और
जातिवाद से लेकर कुछ इश्यू हो गया था, आपने टोपी पहन के कव्वाली गाई थी। जी मैम, ये बहुत बड़ा इश्यू है जी, उसके बारे में एक आपका नजरिया क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत इस चिंता भी है इस सब्जेक्ट को लेकर के टीना जी, सोशल मीडिया पे देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ये एक चलन जैसा चल पड़ा है, और कहीं ना कहीं मन में डर और शंका जैसी लगता है। मेरा मानना, मेरा ये निजी मानना है मैम के सबसे पहले इंसान और इंसानियत की जात है, और विशेष रूप से हम लोग कलाकार हैं, हम लोग गायक हैं, कलाकार की कोई जात नहीं होती। ये कभी मैंने कव्वाली गाई थी, वो मेरे ख्वाजा का करम है, चार पंक्तियां हमारे देश के लिए लिखी थी, वो भी डॉक्टर मुस्लिम ही थे, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम वतन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। विशेष रूप से कलाकार जो है, मोइनुद्दीन जी हमारा एक जीता जागता बहुत बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने गौ सेवा के लिए इतना काम किया है, बाबा रामदेव जी के भजनों को गा रहे हैं, अभी भी एम्बुलेंस के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए वो बिना चप्पल के निःशुल्क गायन कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे पाली में मुस्तकीम जी कोहिनूर मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई साहब की तरह रहते हैं, अजीज़ कोहिनूर परिवार है, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, नाता है, हम लोग ईद को दिन उनको बधाई देते हैं, दीपावली के दिन वो हमारे घर आते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सिर्फ मुसलमानों से या दूसरे धर्मों से नफरत ना करें, गलत इंसान से अवश्य नफरत करें, चाहे वो हिंदू हैं और गलत कार्य करता है तो वो बुरा है, हम उसके लिए बुरी बात बोलें या बुरा सोचें, लेकिन अब्दुल कलाम जैसे हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी हुए, जिन्होंने हमारे देश को बहुत सारी चीज़ें दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि मानवता का धर्म पहले है, इंसानियत का धर्म पहले है। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे टीना जी, तो टोल नाके पे एम्बुलेंस आई, और जगह जगह हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, बड़े से बड़े मिनिस्टर की गाड़ियाँ होती है तो भी बोलते हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, तो एम्बुलेंस को जो ये लोग बाग इस प्रकार के कुप्रचार करते हैं कि मुस्लिमों को मारो हिंदुओं को काटो ऐसा सोचते, तो उन लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि वो एम्बुलेंस को रोक करके क्यों नहीं पूछते कि इसमें हिंदू मरीज है या मुसलमान है, हिंदू है तो पहले जाना, तो मुस्लिम तो इस प्रकार की भावना ना रखें, प्रेम से रहें, मोहब्बत से रहें, जिंदगी बहुत छोटी है उसको प्यार के साथ में हंसते हुए गुजार दें आप, इस प्रकार का मैं निवेदन करता हूँ। और कलाकार की तो कोई जाति नहीं होती है, अब मैंने पाली में कासम खां जी है, वो मुस्लिम संप्रदाय से हैं लेकिन उन्होंने अपने घर पे माँ जगदम्बा की जागरण रखते हैं, वो प्रतिवर्ष रखते हैं जी। तो मेरे मन में आया टीना जी कि जब एक इस्लामिक परिवार, एक मुस्लिम परिवार यदि माता जी की भक्ति रख सकता है, तो हम उनका दिल खुश करने के लिए अगर एक ख्वाजा गरीब नवाज का कलाम गा देवे तो इसमें क्या बुराई है जी। सभी धर्मों का सम्मान करें, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है, और इंसान है तो इंसानियत का परिचय भी दें, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला हमारा सवाल है, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, नाम लेके हम बात करेंगे। आपने अपने शुरुआती दौर में गजेंद्र सिंह जी मंडली और रमेश जी माली के साथ में खूब काम किया, और सुनने में यह आया कि आपने उनसे खूब सीखा जी, लेकिन गुरु आपने मोइनुद्दीन जी को बनाया जी। तो क्या उसका कारण ये है कि उस वक्त बाबा बहुत ज्यादा फेमस थे और उनको गुरु बनाने से आप ज्यादा प्रचलन में आ जाते, आप ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते? गुरु मैंने टीना जी गजेंद्र सिंह जी मंडली को भी बनाया, मैंने पहला भजन उन्हीं का सीखा है, उन्हीं से मेरी शुरुआत हुई है, मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा, और गजेंद्र सिंह जी को मैंने गुरु भी बनाया है, वो जहाँ भी आते हैं मैं उनके पैरों में प्रणाम करता हूँ, शुरुआती दौर में उन्होंने मुझे अपने साथ में रखा है। रमेश जी भाई साहब माली को मैंने गुरु नहीं बनाया, लेकिन उनके साथ में मैंने एज ए शिष्य, आप कहते हैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं, और गुरु एक नहीं होता है, गुरु जितने जिन जिन लोगों से आपने सीखा वो सभी गुरुतुल्य होते हैं, और मेरे तो सारे सीनियर आर्टिस्ट मेरे गुरु ही हैं। मैंने रमेश जी भाई साहब के साथ भी सीखा है, रामेश्वर जी माली के साथ भी मैंने बहुत मंजीरे बजाए, रमेश जी भाई साहब के साथ मैं पहले मंजीरे बजाने जाता था, और मैं आज भी, अभी मैं कोई कुछ बड़ा नहीं हुआ, मैं आज भी जब रमेश भाई गाते हैं, जब गजेंद्र सिंह जी गाते हैं, या छोटा सीनियर जूनियर आर्टिस्ट भी कोई गाता है तो मैं मंजीरे बजा लेता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, गजेंद्र सिंह जी और रमेश जी भाई साहब माली और पाली के तमाम आर्टिस्टों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, विवाद ये नहीं आया, विवाद ये आया कि आपने बाबा को तो गुरु स्वीकारा, लेकिन गजेंद्र सिंह जी मंडली को आपने कभी गुरु नहीं स्वीकारा? मैंने स्वीकारा है टीना जी, गजेंद्र सिंह जी मंडली, अभी उनके घर पे जागरण थी 7-8 दिन पहले,
और मैंने, और जहाँ भी वो आते हैं, मेरे घर पे अभी सत्संग रखी थी मैंने, वहाँ पर भी वो पधारे थे और लगभग सभी आर्टिस्टों को पता भी है, गजेंद्र सिंह जी मंडली स्वयं भी आए थे। अब वो राजनीतिक मंच से भी वो थोड़ा टच रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने राजनीतिक और म्यूजिक फील्ड से थोड़ा यूँ सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा इधर समय देते हैं थोड़ा, तो इस हिसाब से वो हमसे थोड़ा दूरी है, उनके वो सेलेक्टेड लोगों के कार्यक्रम ही करते हैं तो ज़्यादा वो, लेकिन जब भी वो आते हैं मैं खुले मन से ही कहता हूँ कि मेरे गुरुदेव गजेंद्र सिंह जी मंडली पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। वैसे हारमोनियम में मैंने अशोक जी झूरिया हैं हमारे पाली से, उनको भी मैंने गुरु बनाया, एक रामकिशोर जी करके हैं उनको भी मैंने गुरु बनाया। अब किसी ने सिखाया नहीं सिखाया वो उनकी जो भी सोच रही होगी, लेकिन मैंने गुरु बनाया, मुझे मानने से कोई गुरेज नहीं है, मैंने तो छोटी सी बात जिन किसी से सीखी उन सभी को मैंने गुरु माना है। जी बहुत बढ़िया। एक विवाद और है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी आया है दो बार, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं यहाँ पे, हम ना ही ये साबित करना चाहते कि आप गलत थे, हम सिर्फ और सिर्फ ये विवाद सामने आया कि आपके शुरुआती दौर से लेकर कुछ समय तक के लिए दो प्रसिद्ध महिला कलाकारों के साथ आपका नाम जोड़ा गया था, और जब विवाद हो गया तो आपने चुप्पी साध ली, आपने न तो उनका पक्ष लिया ना उनके खिलाफ कुछ बोले और ना आपने अपने आप को अपना पक्ष किसी के सामने रखा, ये एक विवाद सामने आया है, ऐसा आपका इसमें सच्चाई कितनी है और अगर नहीं है तो कैसा क्या नजरिया आपका रहा था उस वक्त? अब टीना जी ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ये दुनिया की रीत कह दें तो भी कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो किसी भी क्षेत्र में यदि कोई महिला, कामकाजी महिला अपने वर्क से किसी मेल के साथ में अगर लंबे समय तक काम करती है, तो चाहे वो अंदरूनी रूप से बेचारे भाई बहन होंगे या अच्छे मित्र होंगे, उसके बावजूद भी दुनिया का ये नज़रिया है कि वो यही बोलेगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। मैंने काफ़ी सारी फीमेल डांसर्स सिंगर्स के साथ में काम किया है, उनसे मेरे बहुत से ताल्लुकात रहे हैं, आज भी मैं उन सभी से जुड़ा हुआ हूँ जिन जिन फीमेल्स के साथ में, चाहे उनके शादियाँ हो गई, किसी के बच्चे हो गए, कोई राजस्थान में है, कोई आउट ऑफ राजस्थान है, कोई आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन वो आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। हम साथ में काम नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन जो समय हम लोगों ने साथ में गुजारा, मेरा ना तो उनसे कभी कोई, उनसे क्या मुझे, मेरा किसी भी आर्टिस्ट से कभी कोई विवाद नहीं रहा, किसी भी आर्टिस्ट से मेरा किसी प्रकार का कोई विवाद, विशेष रूप से महिला जितनी भी कलाकार मेरे साथ में आई, मैंने जब तक मेरा मन पड़ा मैंने उनका अच्छा ही किया, अच्छा ही सोचा है, और आज भी हम सभी का अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं, विवाद मेरा किसी से कुछ भी नहीं रहा। नहीं, आप सवाल नहीं समझे, सवाल शुरू करने से पहले ही हमने आपको ये कहा था कि हम ये साबित नहीं करना चाहते कि आप गलत हैं या सही है, हम सिर्फ एक सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि जब इन महिला कलाकारों के साथ में आपको लेकर विवाद उठे थे सोशल मीडिया पर, तब आपने कोई रिएक्शन नहीं दी थी, चाहे उनके फेवर में चाहे उनके अगेंस्ट, आपने चुप्पी साध ली थी। मुझे तो याद नहीं आ रहा है वो। जी कुछ विवाद है अगर आप चाहें तो हम नाम लें महिला कलाकारों का, नहीं तो अगर आप समझ रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि हम बिना महिला कलाकारों का नाम लिए बात करें। वो विवाद क्या था मुझे तो ये याद नहीं आ रहा, क्यों मेरा विवादों से थोड़ा दूर ही करना रिश्ता है, मैं विवाद से टीना जी बहुत दूर रहता हूँ, मैं तो बस हंसते खिलखिलाते, विवाद जब नाम आता है तो आदमी गहराई में जाता है और मैं जाना नहीं चाहता हूँ गहराई में। मैं तो कोई आदमी कहता है कि महेंद्र सिंह राठौड़ मुझसे छोटा है, तो मैं तो उससे बोलता हूँ कि महेंद्र सिंह राठौड़ तेरे से छोटा क्या, बहुत ज़्यादा छोटा है। मैं हाथ जोड़ के उस मैटर को क्लियर करके फिर से खुशी से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे आप विवाद करें तो मैं बहुत मेरा पीछे 17-18 साल को खंगाल रहा हूँ कि मेरा यार महिला से। चलिए हम नाम लेकर बात करते हैं, शायद हो सकता है कि इस सोशल मीडिया के इस विवादों से मैं रूबरू ना हुआ हूँ, ये मेरी चुप्पी का कारण हो सकता है या मेरी जानकारी में ना हो। नीता जी नायक बहुत अच्छी सिंगर है, मेरी बहुत अच्छी मित्र भी रही हुई है, आज भी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं वे, और राजस्थान में बहुत अच्छे लेवल का उनका नाम है, बहुत अच्छा गाते भी है। अभी हमारा कार्यक्रम था सिरोही के पास में गांव उड़, तो मम्मी जी का कॉल आया, बोले महेंद्र जी आपका कार्यक्रम है, तो बोले बेटा खाना आप हमारे घर पर ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आंटी जी, आपका आदेश है तो मैं भोजन आपके यहाँ लूँगा। हम लोग गए वहाँ, हमने खाना खाया, खाना खा के हम लोग निकले, बड़ी दीदी भी आए हुए थे, बच्चे भी आए हुए थे, तो हम किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई विवाद जैसी बात ही नहीं है। हमने अभी 2 महीने पहले साथ में कार्यक्रम किया है, एक
कामा भैरव जी का दरबार है, वहाँ 2 सालों से कंटिन्यू हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। जब भी मिलते हैं बिल्कुल राजी खुशी मिलते हैं। माधुरी जी वैष्णव पे आता हूँ, एमपी मध्य प्रदेश रतलाम में खिदला जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ पर वो आए। मैं नहीं जानता था कि ये माधुरी जी वैष्णव है। वो आके चुपचाप से उनके वो बुक का स्टैंड है वो ला के रखा और बैठ गए मेरे पास। वो बोले नमस्कार सर, मैं माधुरी वैष्णव एक भजन गाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है आइए। उन्होंने गाया और अच्छा गाया। और मेरा ये शुरू से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, टीना जी मेरा सबसे पहला वे ये रहता है कि जो आदमी अपने टैलेंट को डिजर्व करता है वो आगे आना चाहिए। तो मुझसे जितना सपोर्ट बन पड़ता है मैं करता हूँ। मेरे पाली के भी जूनियर आर्टिस्ट जो लायक हैं, जो जिनके पास माँ सरस्वती ने कुछ बख्शा है, मैं उनको अपने साथ लेकर के मंच देने के प्रयास करता रहता हूँ, जैसा मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है। तो मैंने माधुरी जी को बोला, मैंने कहा माधुरी जी आपकी कितनी पेमेंट हुई? उन्होंने जो पेमेंट बताई वो बहुत मुझे कम लगी। मैंने कहा आप राजस्थान पधारे, एमपी से लगभग अच्छा पेमेंट आपको वहाँ पर पे होगा, हमारे राजस्थान ट्रेडिशनल में फीमेल सिंगर्स कम हैं, आप कृपया राजस्थान आए। तो उसके बाद में उनका कॉल आया 2-4 दिन बाद में, तो मैंने बोला एक कार्यक्रम है आप आइए। और पहले ही कार्यक्रम में बाबा मोइनुद्दीन जी भी वहाँ आए थे, बाबा ने भी सुना, आशीर्वाद दिया। उसके बाद में हमने 5-7-10-15 कार्यक्रम भी साथ में किए। फिर उनके पापा जी थे माधुरी जी के, तो उन्होंने बोला था कि महेंद्र साहब थोड़ी पेमेंट, और ये स्वाभाविक सी बात है जब आदमी सीखता है तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है जैसे जैसे उसकी पेमेंट भी बढ़ती है। तो मैंने बोला ठीक है अंकल, मैं होगा डेट आगे तो बताऊंगा। उसके बाद में उनके राजस्थान में जब वो इंट्रोड्यूस हुए तो उनके सोलो कार्यक्रम भी आने लगे, लोगों ने डायरेक्ट बुलाया, तो मुझे खुशी हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज आपकी इतनी अच्छी पेमेंट आप ले रहे हैं मुझे बहुत खुशी है। और वो जहाँ भी मिलते हैं वो इस बात को कहते हैं कि मुझे एमपी से राजस्थान लाने वाले महेंद्र जी हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमने उनका इंटरव्यू लिया है और उन्होंने ये बात बोली है, वो ये कहते हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं क्या लाऊं, किसी को कोई आगे नहीं लाता है टीना जी, हर इंसान अपने टैलेंट से और अपने प्रारब्ध से आगे आता है। मैंने सिर्फ एक प्रयास किया था। और उसके बाद में वो राजू जी शर्मा से उन्होंने शादी की है और वो बहुत सुंदर सी जोड़ी है उनकी, बहुत अच्छे कपल है। मेरी दुआएं आप उनके साथ में हैं, वो जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें जी। मेरा किसी प्रकार का विवाद नहीं कह सकते आप कि किन से विवाद है, क्योंकि विवाद जिन लोगों से होता है टीना जी, तो हम लोग उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। उनका जब नाम आता है तो हम लोग नाम भी लेना नहीं पसंद। मैंने आपके 2-3 इंटरव्यू और भी देखे, उनमें उन्होंने बोला मैं नाम ना ले रहा हूँ या नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर दूंगी। वैसे बाप जी मैं तो इन सबसे दूर हूँ, मुझे कुछ नहीं, किसी का कुछ भी नहीं करना है, मैं तो सबसे प्यार और हंसी के साथ में जीना चाहता हूँ, खुश रहना जी। आपके कहने का मतलब ये सब जो हुआ ये भी एक बिल्कुल अफवाह थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी प्रकार का राजस्थान के क्या हिंदुस्तान के दुनिया में किसी भी आर्टिस्ट से किसी भी इंसान से मेरे किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी, किसी प्रकार की दुश्मनी या किसी प्रकार का गुस्सा या किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये मैं पीआर जी से आज खुलासा कर देता हूँ। एक और चीज है आपके लिए कि बाबा के बहुत सारे शिष्य या शागिर्द कह सकते हैं जिन्होंने बाबा से गायन सीखा है और कमी नहीं है उन शिष्यों की, तो कहीं ना कहीं आपके प्रशंसकों से ये एक सवाल आपके लिए आया है कि आप क्या बाबा के सबसे ज्यादा नजदीक खुद को मानते हैं, इसलिए साथी कलाकारों पर जब वो बाबा के साथ होते हैं तब कटाक्ष कर देते हैं, कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि उन्हें लगता है कि ये मेरे ऊपर कटाक्ष था। मैं समझा नहीं आपके सवाल को, आपके सवाल ऐसे आ रहे हैं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे बुखार जैसे। आपका सवाल नहीं है ये, पीआर जी में टीना जी तीर मार रहे हैं। जो भी कलाकार इस हॉट सीट पर बैठता है, मैं आगे आने वाले कलाकारों से निवेदन करता हूँ आप थोड़ा तैयार हो के आए और बादाम वगैरह खा के आए, ताकि टीना जी के सवालों का जवाब आप ढंग से दे पाए। हाँ वापस एक बार सवाल पढ़िए आप प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है, हम ये जो सारे सवाल, सबसे पहले हम इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि ये सवाल टीना राठौड़ के या पीआर जी के नहीं है, ये उन लोगों के सवाल है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में रहते जी, हैं जी, 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 या आप लोगों के आसपास रहते हैं या उनका किसी न किसी तरीके से आपसे। ये हमारे श्रोताओं के और फॉलोवर्स के सवाल हैं, बिल्कुल ये सारे सवाल है। तो आपके प्रशंसकों का ये कहना है कि जब बाबा के पास में कोई और उनके शिष्य या शागिर्द होते हैं तो महेंद्र सिंह जी वहां पे उनको कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे ये उनके मन की भावना ही निकलती है मन से कि मैं सबसे ज्यादा बाबा के नजदीक हूँ, आप लोग थोड़ा सा दूर हो, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने कभी बोला नहीं है टीना जी किसी से ये बात, कभी मैंने किसी मन से नहीं बोली कि मैं हूँ या मैं हूँ। मैं मेरे शब्द में मेरी डिक्शनरी में मैं शब्द का ना तो जगह है ना मैंने कभी रखा है, मैं शब्द से बहुत दूर रहता हूँ पहली बात।
दूसरी बात कि ये बात वास्तव में सच है कि मैंने बाबा को गुरुदेव बाद में, लेकिन एक पिता मैंने माना जी, जी। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि बाबा मुझे, जैसे दो बेटे उनके हैं मुन्ना भाई मशरूम भाई, तीसरा बेटे के रूप में उन्होंने मुझे स्वीकार किया है, मेरे सर पे हाथ रखा है। एक बार मैं वाकया बताता हूँ मैम, ऐसा हालांकि कई बार हुआ है लेकिन मुझे याद आ रहा है जहाँ तक कि मम्मी पापा जब दुनिया में नहीं होते हैं तो एक आदमी के लिए पारिवारिक परेशानियों का बहुत सारा सामना करना पड़ता है। परिवार में ऐसी कुछ उलझन आ गई थी तो मैंने बाबा को फ़ोन लगाया रात को 11:30-12 बजे। मैंने बाबा को बोला और मैं रो रहा था उस वक्त फ़ोन पे। मैंने कहा बाबा वो ऐसा हो गया ना, वो ऐसा हो गया, हमारे पारिवारिक कोई ऐसी उलझन हो गई थी। मैंने बोला इतना कुछ किया मैंने परिवार के लिए, बाबा ने ये मुझसे ऐसा कर रहे हैं, फैमिली में कितना भी किया ना, अबे मुझे जीना भी नहीं है, थोड़ी मुझ में भी वो बच्चा बुद्धि। मैंने बोला बाबा मुझे नहीं जीना है, मैं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। बाबा ने बोला कि अरे बेटा बेटा तू क्या कर रहा है। और उस वक्त मोइनुद्दीन जी का जो समय था उनका 5-5 मिनट उस वक्त बहुत कीमती थे। बाबा ने बोला महेंद्र तू क्या कर रहा है बेटा, तू वही रुक, तू कुछ नहीं कर रहा है, मैं तेरे पास 1 घंटे में तेरे पास आ रहा हूँ, जो भी बात हुई अपन बेटे बाप बेटा बैठ के बात करेंगे। और उस वक्त महेंद्र सिंह राठौड़ नाम की कोई हस्ती दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं थी। क्या महेंद्र सिंह राठौड़, उस वक्त कोई नहीं था, मैं तो आज भी ट्रेनिंग में हूँ वैसे उस वक्त भी था। बाबा वास्तव में 1 घंटे में मेरे पास आए और मैं उनके छाती में लग के उनकी गोदी में सर रख के बहुत देर रोया, फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया। तो गुरु शिष्य के साथ में एक पिता और पुत्र का जो नाता होता है वो बाबा का और मेरा है, इस बात से कोई दोहराई नहीं। पर मैंने इस मंच से किसी कलाकार को सुनाने के भाव से मैंने कभी नहीं बोला, ये मेरी आत्मा जानती है या मेरा प्रभु जानता है कि मैंने, क्योंकि ये चीज़ें जो होती टीना जी ये किसी दिखावे की मोहताज नहीं है, दुनिया जानती है कि कौन किससे कितना प्यार करता है, कौन किससे कितनी नफरत करता है, ये बातें दिखी जाती है। ये बात बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील करवाते हैं और विवादों के घेरे से निकल के हम वापस। आज मुझे पता चला कि मेरे इतने विवाद हैं और मैं सेल्फी से ऊपर नहीं आ रहा हूँ। तो बिल्कुल इस कार्यक्रम का मकसद यही है कहीं ना कहीं कि हमारे दर्शकों या आपके प्रशंसकों के मन में जो आपको लेकर सवालात है उनके जवाब उनको दे और उनके मन में अगर कुछ गलत है तो आप उन्हें क्लियर करें जी। इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है जी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, विवादों के घेरे से बाहर आते हैं और हम ये चाहते हैं कि अब आप यहाँ पधारें और कहीं ना कहीं हम भी आपकी गायकी के प्रशंसक कह दीजिए हैं, तो हम और हमारे दर्शक जरूर आपसे चंद लाइनें सुनना चाहेंगे। भजन जो आपकी इच्छा, जो आपका पसंदीदा, आपको लगे मुझे ये गाना चाहिए अभी, आप वो गा सकते हैं, भजन लोकगीत या जो भी आप गाना चाहें, गजल कोई नज्म जो भी। गजल क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सुना है कि आपका थोड़ा शायराना अंदाज भी है और गजल में आप। डांट अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। भक्ति में पहला भजन सुनाने में वक्त तो लगता है, हमने लाजे जख्म दिल तो ढूंढ लिया लेकिन, हमने लाजे जख्म दिल तो ढूंढ लिया लेकिन, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, भक्ति में पहला भजन सुनाने में वक्त तो लगता है। मुझे भी बहुत वक्त लगा है और अभी तक भी मैं भजन गाने के सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ, गा नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरा जो पहला भजन था वो मेरी गाने की इच्छा है इसलिए गा देता हूँ। अरे इन दुनिया में माँ बाप भगवान के बीजे, वो दिन उगता ही नाम पहला बारो ले लीजे, माँ बाप री सेवा सु हो जावे ना बड़ी पार, इन मिनख जन्म में माँ बाप तो
इन मिनक जन्म में माँ बाप तो मिले न दूजी बार, वे भगवान के विजय हो बिरा इन दुनिया में माँ बाप भगवान के विजय हो हो हो। ये माँ और बाप के लिए, माँ और पिताजी के लिए हमारे पाली के गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित ने इस भजन को लिखा है, और मेरे भक्ति संगीत जीवन का, भक्ति संगीत की यात्रा का ये प्रथम भजन है। और हमारे सुदर्शन जी पीआर जी, उन्होंने आज ये कहा है कि महेंद्र जी आपका पहला भजन माँ और पा के लिए, तो माँ और पा का टैटू आपको बनवाना चाहिए। ये टैटू नहीं है, 24 घंटे के बाद में अभी इसको वाटर से हम लोग धो देंगे, कलर है, तो आप भी टैटू नहीं बनवाएं। लेकिन ये भजन मुझे गाना था, इसलिए सुदर्शन जी के आदेश से मैंने ये टैटू बनवाया, हमारे भैया ने बनाया है, बहुत सुंदर टैटू, आपको इसके लिए थैंक यू जी। राहुल जी, राहुल भैया थैंक यू सो मच जी। एक और सवाल, आपका नजरिया जानना है हमें इस बारे में कि भजन संध्या आप करते हैं, भक्ति संध्या आप करते हैं, तो संगीत का जो क्षेत्र है वो नृत्य के बिना अधूरा है ये कहा जा सकता है। तो आज के दौर में राजस्थान नृत्य को लेकर दो भागों में बढ़ गया है, एक हमारा जो ट्रेडिशनल नृत्य जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो चलता रहा, और एक भीलवाड़ी नृत्य अचानक से आया और हिट भी हो गया, लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या भजन संध्या में भीलवाड़ी नृत्य का होना उचित है, इसके बारे में हमें आपका नजरिया चाहिए। चिन्ना जी, भीलवाड़ी से संबोधित नहीं कर सकते हम, सिर्फ भीलवाड़ा की ये बात नहीं है, या सिर्फ मेवाड़ का हम नाम नहीं ले सकते, या किसी भी एक क्षेत्र का नाम नहीं ले सकते हम। बात नृत्य की और मंच की है, भक्ति संगीत के मंच की। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने समझा है, पहले तो ये चीज़ शायद चल सकती थी। मैं मेरे श्रोताओं से भी इस बात की अपील करना चाहता हूँ कि आप भक्ति संगीत के मंच पर नृत्य हो, कोई शिकायत नहीं है मुझे, महिला नृत्यकार भी हो, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम लोग राजस्थान में हैं, राजस्थानी भजन को गाते हैं, तो राजस्थानी भजनों के मंच पर, धार्मिक मंच पर, जो राजस्थान की कल्चर के जो नृत्य हैं उनको पेश करें हम। माता जी की झांकी दें, भैरू जी की झांकी दें, बालाजी का स्वरूप दें, शिव जी और पार्वती जी की दोनों की जोड़ी को उस बताएं, या राजस्थानी कल्चर को हम पेश करें, जैसे भवई नृत्य है, कालबेलिया है, तेरा ताली है, चरी नृत्य है, इस प्रकार के नृत्यों को हम पेश करें, ना कि अश्लीलता और फूहड़ता को प्रस्तुत करें। इसी मेरी आप सभी से निवेदन करता हूँ। मेरा ये मानना है कि मनोरंजन अश्लील रूप से करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे साधन हैं, चाहे वो सिनेमाघर हो, चाहे वो किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी हो, हम लोग कहीं जाकर के एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक मंच पर भले हम एक घंटा भी बैठें, एक भजन भी सुने, लेकिन उसको तन मन और भावना के साथ में सुने, ना कि हम लोग देखें, और यदि देखें तो उस भावना से देखें। और कलाकार बंधुओं का ये प्रयास रहना चाहिए कहीं ना कहीं कि हम लोग, हमारे जितने भी नृत्यकार फीमेल्स हैं उनको पूरे कपड़े, पूरे परिधान, राजस्थानी परिधान को हम लोग मंच पर, जैसे हमारी बहुत सारी नृत्यकाराएं हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने प्रयास किए भी हैं कि वो राजस्थानी परिवेश में आती है, चूड़ा पहन के आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनको कई बार धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा नृत्य किया है। इस प्रकार के नृत्य हम लोग अगर करें तो नृत्य से मुझे कोई गुरेज नहीं है। थोड़ा सा सोशल मीडिया का जमाना टीना जी, पहले ये चीज़ चल जाती थी, लेकिन अब के समय में बच्चे बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड स्मार्टफोन होते हैं, वो अपने फ़ोन से वीडियो लेते हैं और वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होता है। यूट्यूब अब पूरे हिंदुस्तान ही, हिंदुस्तान के बाहर देशों में जो राजस्थानी बंधु बैठे होते हैं वो देखते हैं और बोले यार भजनों का ये क्या आप लोगों ने दौर बिगाड़ा है। मेरे पास फ़ोन आते हैं इटली से, फ्रांस से, कैनेडा से, पाकिस्तान से भी कॉल आए, मेरे पास दुबई से भी कॉल आए, बोले महेंद्र सर यार वो उसमें भजन संध्या में आप तो नहीं गा रहे थे, मैं थोड़ा गुरेज करता हूँ, मैं तो थोड़ा निकल जाता हूँ। मैंने कहा भैया इस प्रकार का अगर डांस है तो आप, मैं नहीं गाऊँगा, आप दूसरे सिंगर्स को बुला लीजिए। तो मैं पीछे बैठा होता हूँ, वो वीडियो में मैं भी दिख रहा हूँ, तो मेरे पास कॉल आते हैं, बोले महेंद्र जी हम कनाडा से बोल रहे हैं या कहीं से बोल रहे हैं, तो बोले यार महेंद्र जी वहाँ पे वो इतना गंदा सा डांस था और भजन तो चार भुजा जी का था और नृत्य ऐसा क्यों चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आत्मा दुखती है कि हम हमारे थोड़े से मनोरंजन के चक्कर में कहीं कहीं ना कहीं हमारे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। हम करते तो भगवान को रिझाने के लिए, लेकिन रिझते खुद हैं और उस चक्कर से हम पाप के भागी बन जाते हैं। बस इसमें ऑर्गेनाइजर जो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कार्यक्रम को, वो भी पाप के भागी, जो कलाकार बेचारे पैसों के लिए करते हैं, अपने पेट भरे के लिए, वो भी पाप के भागी, और उसको भक्ति संध्या की जाजम पर बैठकर देखने वाले वो भी पाप के भागी। तो हमने कमाया क्या?
इससे तो अच्छा ये हो कि हम लोग धार्मिक कार्यक्रम में धार्मिक नृत्य पेश करें, चाहे हमारी लेडीज कलाकार जो आती है उनको भी हम निवेदन करें कि बहन जी आप कपड़े पूरे पहन के आएं और नृत्य जो करें वो धार्मिक नृत्य हो, कि जैसे भजन के बोलें। अब मैं थोड़ा एक्टिंग करके दिखाना नहीं चाहता हूँ, वरना एक जगह हम लोग गए थे तो वहाँ पे मैं भजन गा रहा था, सांवरा आओ तो खरी माधुरा मिंदर में मेरा एकली खड़ी। अब मेरा तो भजन सीधा सीधा था, नृत्य तो फीमेल की यदि बात करें तो हमारी संस्कृति में मीराबाई ने भी नाचा है, लेकिन मीराबाई ने अपने हाथों में खड़ताल लेकर के इस भाव से नाचा था। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, तारा जी, दुर्गा जी परियार, कालू राम जी प्रजापति के साथ में आते थे वो, उनका नृत्य मैंने देखा था तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा दीदी आपका क्या नृत्य है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भजन को आपने सामने लाके खड़ा कर दिया। तो नृत्यकार जो होता है वो एक सिंगर को प्लेबैक बनाता है और प्ले उनका हो जाता है परफॉर्म। अब आपको सिर्फ ऑडियंस को सिर्फ आवाज़ दिख रही है और वो जो नृत्यकार है वो भाव पेश कर रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान में नृत्य की अभी ऐसी स्थिति हुई हुई है कि पेमेंट कितना आएगा इतना, अब गए मेकअप किया कपड़े चेंज किए और दाँत धो कर करा के ना आ गए लो साहब, अब क्या भजन गाया उसको तो पेश नहीं किया। इसलिए थोड़ा कम से कम मैं इस चीज़ से दूर होने के प्रयास करता हूँ। मेरे पास कॉल्स भी आते हैं कि महेंद्र जी महिला डांसर्स, तो मैंने कहा सर मैं ये कार्यक्रम नहीं कर पाऊँगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे साथ जो भी डांसर्स आएंगे उनको आप डांसर्स नहीं कहेंगे, वो आएंगे झांकी कलाकार, वो झांकी वाले आर्टिस्ट मेरे साथ में आएंगे जो शेर का रूप लेके माता जी का रूप साथ में आएगा, शिव पार्वती जी, जैसे मनोज रिया एंड पार्टी दिल्ली वाले करते हैं, कुणाल तिलकधारी दिल्ली वाले करते हैं, बंटी भाई तिलकधारी दिल्ली वाले करते हैं, उस टाइप से हम लोग धार्मिक कल्चर को पेश करें, हमारे राजस्थान के कल्चर को पेश करें, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को हम हानि में जाने से बचा पाएंगे और हम खुद पाप के भागी होने से बच पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत विचार आपने यहाँ पे बताए। अंत में हमें चाहेंगे कि आप इस बात के अलावा हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें या अपने मन की बात दर्शकों से करना चाहें। बहुत सारी बातें एंटीना जी, लेकिन अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे बात के युवा कलाकारों से, एक बात कहना चाहता हूँ सिंगर्स से, कि हम लोग पढ़ के गाएं, अच्छा एजुकेशन क्वालिफाई करें, उसके बाद में संगीत की पढ़ाई करके गाने का प्रयास करें तो हम अच्छा गा पाएंगे। हमारे संतों की वाणियों को जो ट्रेडिशनल आर्ट के जो हमारे संतों ने बहुत मेहनत करके बहुत तपस्या करके वो भजनों को लिखा है, जैसे हेली फकीरी सौरठ ब्रैणी लावणी कुचामणी कालंगड़ा जोगिया, इस प्रकार के जो भजन है, आज प्रत्येक गांव में जाते हैं टीना जी फलाना मित्र मंडल, हनुमान युवा मंडल, रामदेव जी मित्र मंडल, युवाओं के कंधे पर भार है, तो काफ़ी 100 में से 99.9 लोगों को ये पता ही नहीं होता कि फकीरी क्या गाते हैं, हेली क्या होती है, सौरठ क्या होती है, प्रभाती क्या होती है। तो मेरा ये निवेदन है सब मंडल के ऑर्गेनाइज करने वाले मित्रों से कि आप 12-1 बजे तक जब ये सारा कार्यक्रम एंटरटेन पूरा हो जाए उसके बाद में आप कलाकारों से ये निवेदन भी करें कि आप हेली फकीरी सौरठ प्रभाती ब्रैणी के एक एक भजन हमें ज़्यादा नहीं तो एक एक भजन अवश्य सुनाएं, ताकि हमारे जो संतों ने जो संस्कृति बहुत मेहनत करके उन्होंने तंदूरे वीणे के ऊपर खड़तालों के ऊपर तपस्या करके इन कंपोजिशंस को बनाया है और रात्रि के प्रहर बाई प्रहर ये रागें प्रभात की विला 4 बजने के बाद में जो प्रभाती का सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि प्रभाती, तो वो असर वाणी का ख़त्म ना हो। और मेरे युवा कलाकारों से भी निवेदन है कि आप इन नए भजनों के साथ में इन भजनों की भी तैयारी करें, और आपसे निवेदन है कि भले समझ में ना आए लेकिन सुनने का जरूर आप प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, ये मेरा संदेश मैं युवाओं से देना चाहता हूँ। और सोशल मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ के ये विनंती करना चाहता हूँ कि कोई भी कलाकार, कोई भी आर्टिस्ट, सिंगर है, डांसर है, एक्टर है, कोई भी है, यदि सोशल मीडिया पर आपको जवाब न दे पाए, उसको समय मिले न मिले, तो उसका आप ज़्यादा बुरा ना माने। हर कलाकारों की अपनी निजी ज़िंदगी होती है, उसका परिवार होता है, उसका खुद का शेड्यूल होता है, उसका कामकाज होता है, तो उसमें वो जवाब नहीं दे पाता। आप किसी भी प्रकार से किसी भी कलाकार को बुरा ना कहें, हम लोग सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी वजह से हम सभी लोग हैं, आप सभी लोगों ने हमको बनाया है और हम आप सभी लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप भी किसी प्रकार का राग और द्वेष कलाकारों के प्रति न रखें, ऐसा मेरे सभी मित्रों से निवेदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बातें कही आज आपने, और आपका पीआरजी स्टूडियो में आने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से वक्त निकाला हमारी टीम के लिए, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ खूबसूरत गायकी के धनी और सेल्फी किंग कहे जाने वाले महेंद्र सिंह जी राठौड़। इसी तरह राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और उनके विवादों का क्लियरिफिकेशन
आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ जीवन दर्पण मन की बात में पीआरजी की टीम और टीना राठौड़ के साथ। धन्यवाद।